पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम चाउंडिया में 120 फीट गहरे सूखे कुएं में एक सांड के गिर जाने से उसकी मौत हो गई। सांड की मौत के बाद पुलिस मित्र एवं अजमेर की एनडीआरएफ टीम ने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन सांड को निकालने में दोनों टीमों को भारी पसीने छूट गए। सांड की मौत कुएं में जहरीली गैस होने के कारण हो गई। पुलिस मित्र टीम के जवानों ने जांबाजी दिखाते हुए सांड को 9 घंटे के बाद कुएं से बाहर निकाल लिया, लेकिन सांड की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ग्राम चावंडिया में सूखे कुएं के पास दो सांड लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते उसमें से एक सांड कुएं में गिर पड़ा, जिसकी सूचना पुष्कर थाना अधिकारी राजेश मीणा को दी गई। राजेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम एवं एनडीआरएफ की टीम तुरंत चावंडिया ग्राम पहुंची और उसको निकालने के इंतजाम शुरू कर दिए। रेस्क्यू टीम के प्रभारी अमित भट्ट ने बताया कि हमारी टीम के जांबाज डॉक्टर किशन गोपाल जाट कुएं में उतरे, लेकिन जहरीली गैस होने के कारण उनका दम घुटने लगा। इस पर उन्हें तत्काल बाहर निकाला गया। थानाधिकारी मीणा व तहसीलदार पंकज बड़गुजर भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। यही नहीं, पुष्कर पुलिस की ये मित्र टीम कभी बंदरों और मुख्य रोड पर घायल होने वाले गाय बछड़ों का भी इलाज कर रही है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। 120 फीट गहरे कुएं में एनडीआरएफ की टीम ऑक्सीजन किट के साथ कुएं में उतरी और सांड को 9 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके पूर्व दोनों टीमों ने मशक्कत करी, लेकिन कुएं में जहरीली गैस होने के कारण उसे नहीं निकाला जा सका। सांड को बाहर निकालने में पुलिस मित्र टीम के राजेंद्र बच्छानी, मुकेश देवड़ा, हेमंत सेन, चिरंजीलाल कुमार, पूनम चंद पारासर, सांवरा शर्मा, जोगेंद्र सिंह पुलिस मित्र लगे रहे। इस ही प्रकार लीला सेवड़ी पर घायल हुए बछड़े की जान बचाने के लिए अमरचंद सांकला, मेघराज सैनी, गुन्नू पाठक, मुकेश अजमेरा, हंसराज नागोरा सहित अन्य पुलिस मित्र उसे बचाने में लगे रहे। आखिरकार श्री ब्रह्म पुष्कर गौशाला उस बछड़े को लाकर हेमंत रायता के नेतृत्व में उसको इलाज दिया गया। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। हमारी खबरें देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको खबरें अच्छी लगती है तो चैनल जरूर शेयर करें, और आपके पास भी है कोई पॉजिटिव खबर तो हमें सूचित करें, हम आपकी खबर हमारे चैनल व अखबार में जरूर दिखाएंगे। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। देखते रहिए हमारा चैनल। काम नहीं, खाना भी बनाओ, फिर दो के रात को कई बार ऐसा हुआ कि इसके प्रिंसिपल के और आगे सस्पेंड कर दो, रात को दो दिन के लिए काम करने पड़े। एक दिन फिर सीधा बड़ा निकल कर ये काम करके तो तुरंत बिल्कुल नहीं स्प्रे करते हैं।
भी अदर लगा दिया पूरा। एक भी बाकी सफेद वाली मोर थोड़ी पूरा जुलेगा ले ले ना एक बार देख लो सुनो बुद्ध देख लो जो बंदे थे ना उस टाइम। चाउंडिया रोड स्थित किसी सूखे कुएं में एक सांड गिर गया है और सूचना मिलते ही थानाधिकारी श्री राजेश मीणा जी से निर्देश पाकर पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ ही एनिमल केयर सोसाइटी के हेमंत रायता भी सांड को निकालने हेतु वहां पर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में पुलिस मित्र टीम ने श्री किशन गोपाल जाट को क्रेन की सहायता से कुएं में उतारा, परंतु कुएं में जहरीली गैस होने के कारण और सांस लेने में कठिनाई होने के कारण रेस्क्यू को अंजाम देने से पहले ही उन्हें वापस बाहर निकाल लिया गया और उसके पश्चात अजमेर से सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया, परंतु उनके पास साधन पर्याप्त न होने की वजह से उन्होंने रेस्क्यू को अंजाम नहीं दिया। इसके पश्चात थानाधिकारी राजेश जी मीणा ने व तहसीलदार जी पंकज जी बड़गुजर साहब ने SDRF की टीम को मौके पर बुलाया, परंतु ऑक्सीजन मास्क न होने के कारण वह उचित साधन उपलब्ध न होने के कारण वो भी कार्य को अंजाम देने में असफल रहे और अंत में NDRF की टीम को अजमेर से बुलाया गया और करीब 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में NDRF की टीम व पुलिस मित्र टीम के प्रयासों द्वारा सांड को बाहर निकाल लिया गया, परंतु तब तक सांड की मृत्यु हो चुकी थी। आपका नाम? अमित भट्ट, पुलिस मित्र टीम पुष्कर। आज आपका क्या अनुभव रहा? इस रेस्क्यू से हमारा ये अनुभव रहा कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है राजीव जी मीणा तहसीलदार साहब, उनके एक मूक प्राणी को बचाने के लिए आज 4 टीमों ने एक साथ साझा ऑपरेशन किया, जिसमें पुलिस मित्र टीम ने सर्वप्रथम पहुँच के मैं वहाँ पे क्रेन की सहायता से अंदर गया। तकरीबन 120 फीट अंदर जाने के बाद मालूम चला कि गैस के अंदर बहुत ज़्यादा गहरी गैस है। उस गैस की वजह से मैं 2-3 फीट रह गया था पहुँचना, तो उसमें नहीं पहुँच पाया। उसके बाद में फिर वापस अजमेर से सिविल डिफेंस टीम आई, उसने भी इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से वो भी उस रेस्क्यू को अंजाम देने से मना कर दिया। उसके बाद में फिर SDRF टीम को फ़ोन किया, SDRF टीम आई, उसके पास भी उपकरण नहीं होने की वजह से वो भी उतरने से मना कर दिया। उस लास्ट में हमारे जो अधिकारी है उन्होंने NDRF टीम को बुलाया, NDRF टीम के तकरीबन 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन से ऑक्सीजन मास्क लगा के उतरने के बाद उस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया। और हमारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारे को काम करके बड़ा गर्व होता है कि हम पुलिस मित्र टीम के माध्यम से हमारे को सेवा करने का मौका दे रहे हैं। जी, करीब कितने घंटे चला आज का रेस्क्यू ऑपरेशन? तकरीबन 9 घंटे ऑपरेशन चला। जी, आपका नाम? किशन गोपाल जाट, पुलिस मित्र टीम पुष्कर।